नमस्कार दोस्तों, एबीसी हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को अदरक खाना सही रहता है या नहीं, इस बारे में जानने के लिए पूरी वीडियो को बगैर स्किप किए अंत तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज के ब्लड आर्टरीज की दीवारों पर बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिससे उनकी ब्लड आर्टरीज की दीवारें सक्रिय हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप उनके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से नहीं हो पाता है और फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अदरक में बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो उनके बैड कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करता है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, साथ ही इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी कम रहता है। लेकिन सावधानी के तौर पर हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों को अदरक के सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के शरीर में खून की कमी होती है। अदरक खून को पतला करने का काम करता है। अदरक उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है जिन्हें खून का थक्का जमने की परेशानी होती है। आइए अब जान लेते हैं कि अदरक का सेवन कैसे करना है। अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं। अदरक की चाय हाई बीपी को कम करने में मदद करती है। अगर आप चाहें तो अदरक के रस को पानी के साथ मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा आप सब्जी बनाते समय उसमें अदरक डाल सकते हैं। कुछ लोगों को किसी विशेष चीज से एलर्जी होती है या फिर उन्हें कुछ विशेष खाद्य पदार्थों को खाने की मनाही होती है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी बात है तो सावधानी के तौर पर अपने आहार में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से एक बार जरूर सलाह लें। उम्मीद करता हूं कि हमारी ये छोटी सी जानकारी आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी। अगर आयुर्वेदिक घरेलू इलाज से संबंधित ऐसा वीडियो देखना आपको पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।